हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप 50 किलोवाट का हाई वोल्टेज इन्वर्टर लगाते हैं, जिससे कि आपकी फैक्ट्री, आपका हॉस्पिटल और जितना भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उसको आप चला सकते हैं, तो उसके लिए आपको कितना एरिया चाहिए होता है और इस सिस्टम को आप 500 किलोवाट, 1 मेगावाट या कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, इस टेक्नोलॉजी में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपका इन्वर्टर और दूसरा आपकी बैटरीज। तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ दिखा देता हूँ, आप मेरा हाथ देखिए। तो यहाँ पर ऐसे करने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन्वर्टर कितना बड़ा है। तो इन्वर्टर का साइज़ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और इसको दीवार पर लगाने से आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो बच जाएगा। अब बात करते हैं अपनी बैटरीज़ की। तो ये जो बैटरीज़ हैं ये भी हाई वोल्टेज के अंदर आती हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी साइड से हाई वोल्टेज है। और हाँ, एक बात और मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि कभी आप सोचे कि इस इन्वर्टर के ऊपर मैं लेड एसिड बैटरी लगा लेता हूँ क्योंकि वो सस्ती पड़ती हैं, तो इस इन्वर्टर के ऊपर आप लेड एसिड बैटरी नहीं लगा सकते, आपको लिथियम बैटरी ही लगानी होगी। अब लेड एसिड लगाने से क्या दिक्कत होगी, क्योंकि लेड एसिड जो बैटरी होती है वो आपकी सिर्फ 12 वोल्ट की होती है। तो आप देखिए, आपको 500 प्लस अगर आपको वोल्टेज बनानी है तो कितनी ज़्यादा बैटरीज आपको लगानी पड़ेंगी, और इतनी हाई वोल्टेज डीसी को ऐसे ही तारों को नंगा छोड़ना ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर कोई इसमें मेंटेनेंस करेगा, पानी डालेगा, कुछ भी करेगा, तो अगर उसका हल्का सा भी हाथ लग गया तो एकदम से वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। तो इसके लिए जो सबसे सेफ बैटरी रहती है वो रहती है हमारी हाई वोल्टेज बैटरी, जो कि हर एक बैटरी 102 वोल्ट के अंदर आती है। और इन 7 बैटरी को आप लगाकर एक रैक बना सकते हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 6 बैटरी को लगाया है, 6 एक रैक में और 6 एक रैक में, जिससे कि ये 50 किलोवाट का पूरा रैक बन जाता है और इसको सीधा ही 50 किलोवाट इन्वर्टर के ऊपर लगा दिया है। अब आप अगर थोड़ा सा जूम आउट करके इस पूरे सिस्टम को देखें तो इसने कोई भी ज़्यादा जगह नहीं ली है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी कोई फैक्ट्री है, स्कूल है या कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, तो 50 किलोवाट के लिए सिर्फ इतनी ही जगह की ज़रूरत आपको होगी। उससे भी बढ़कर इन बैटरी को अगर आप नहीं लगाना चाहते तो एक और बैटरी आती है, वो इससे भी कम जगह में आपकी लग जाएगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी बैटरी एक दूसरे के ऊपर प्लेस होंगी, वो स्टैकेबल नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं रैक बैटरी। एक रैक बनाया जाएगा, उस रैक में बैटरी को एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा, वो बैटरी ही आपकी 100 एम्पियर की होगी और 5 किलोवाट की होगी, तो वो स्पेस इससे भी कम लेगी। तो ये वेरी करता है कि आपके पास कितना स्पेस है और कौन सा सिस्टम आप फाइनली लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर 50 किलोवाट से ज़्यादा आपका लोड हो तब आप क्या करेंगे। तो इन इन्वर्टर के अंदर क्या खास बात है, इनको हम पैरेलल कर सकते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं और एक बड़ा सिस्टम बना सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर 100 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना हो तो मैं एक 50 के साथ दूसरा 50 का इन्वर्टर पैरेलल कर दूंगा, जिससे कि वो टोटल 100 किलोवाट का एक इन्वर्टर बन जाएगा। तो मैं 10 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकता हूँ और एक 500 किलोवाट का बड़ा सिस्टम बना सकता हूँ। और आपको पता होगा कि जो फैक्ट्री होती है या कोई भी बड़ी जगह होती है उसमें एक जगह पर पूरा लोड नहीं होता है, वहाँ पर सेक्शन में लोड जो है वो डिवाइड होता है। तो हम हर एक सेक्शन को कवर कर सकते हैं और इस तरीके से हम, चाहे आप 1000 किलोवाट हो गया, 2000 किलोवाट हो गया, कितना भी बड़ा सिस्टम बना सकते हैं इन इन्वर्टर्स के साथ। तो देखा आपने कितनी सी जगह में आप कितना बड़ा सिस्टम लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है, तो बहुत ही कम जगह में आप बहुत बड़े बड़े सिस्टम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस सिस्टम को आप खरीद कैसे सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेलकोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं
या फिर कंपनी की ईमेल आईडी contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं, तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो उन सभी बंदों तक पहुंच सके जो कि इस बड़े सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं और अब तक उनके पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो बड़े बड़े सिस्टम लगा पाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।